सोमवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अजनी पुलिस ने टोली रामटेक नगर में छापा मारकर अवैध शराब बना रही टोली पर कार्रवाई करते हुए कुल 4 से 4.5 लाख रुपयों का माल जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की है। अगले कुछ दिनों में ही होली का त्यौहार आने वाला है, साथ ही लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर अनेक पाबंदियां प्रशासन द्वारा लगाई गई थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग बड़े पैमाने पर अवैध शराब का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं। ऐसी जानकारी अजनी पुलिस को मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टोली रामटेके नगर में छापा मारकर कुल 4 से 4.5 लाख रुपयों का माल जब्त किया। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने दी है। ये अभी होली का सन आने वाला है और अभी जो लॉकडाउन की स्थिति थी, जिसमें दारू की दुकान वाइन शॉप को जो पाबंदियाँ दी थी, उसका बेनिफिट उठा के टोली रामटेके नगर ये एरिया में बहुत से लोग घर में दारू की हाथ बट्टे चला रही, ऐसे हमें तकरार प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में हमने आज पुलिस स्टेशन अजनी और एक्साइज के अधिकारी ऐसा मिलकर कि हमने एक कॉमन वहाँ पे कार्रवाई की है। उस दरमियान में हमने वहाँ पे अंदाजे 4 से 4.5 लाख का दारू का मुद्देमाल, दारू की भट्टी, जिसमें दारू की भट्टी है, दारू का सड़वा है और हाथ भट्टी की दारू है, ऐसा माल हमने सीज करके डिस्ट्रॉय किया है। उस संबंध में हमने एकुन 4 गुने पुलिस स्टेशन में दर्ज किए हैं और उसकी अगली कार्रवाई हम लोग चालू है। इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 4 मामले दर्ज किए, आगे की जांच पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, DCN न्यूज नागपुर।